हर किस्म की दवाई की मालूमात जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैसम यूट्यूब पर तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है यानी कि हर बीमारी का इलाज जानने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सैसम यूट्यूब पर तशरीफ़ लाएं। हर मेडिसन्स की इंफॉर्मेशन और हर बीमारी का इलाज सिर्फ सैसम यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं सैसम यूट्यूब। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कैपोटीन गोली के बारे में, यानी कि ये जो कैपोटीन टैबलेट है इसकी क्या प्रेंसी है, किस कंपनी का और इसका फार्मूला क्या है, इसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट लाजमी करें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती या किसी भी मेडिसन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने जो हमें कमेंट लाजमी करना है, उसके जो हम वीडियो बनाकर आपको जवाब देंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये जो कैपोटीन 2570 टैबलेट है ये GSK कंपनी है, ये मल्टी नेशनल कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड, ये जो कैपोटीन 2570 टैबलेट है इसका जो फार्मूला है वो है जी कैप्टोप्रिल। इसका जो फार्मूला है वो है जी कैप्टोप्रिल। ये ब्लड प्रेशर के लिए दरअसल यूज़ की जाती है, ये बहुत ही बेस्ट है। और इसकी एक डब्बी में जो है 20 टैबलेट होती हैं और इसके जो पोटेंसी है वो 25 mg है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसकी एक डब्बी में जो है 20 टैबलेट होती हैं, ये बहुत ही बेस्ट है ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर के लिए। फ्रेंड, ये जो कैप्टोप्रिल 2570 टैबलेट है ये GSK कंपनी की है। इसकी अगर आप डिटेल में बात करें GS कंपनी के बारे में, ये मल्टी नेशनल कंपनी है और ये जो है सप्लाई करती है ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि पूरे के पूरी दुनिया में जो है ये सप्लाई करती है। और ये कैप्टोप्रिल 2570 है ये बेस्ट जो है टैबलेट है आपके लिए और ख़ासतौर पर उन अफराद के लिए है ये जो वो अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर की अलामत क्या है इस पर अगर हम थोड़े से रिव्यू कर लें, यानी कि थोड़े से डिटेल में बात कर लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी कि आपका अगर ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा है, यानी 130 है, 40 है, 50 है या 60 है, तो उस वक्त जो है आप में जो अलामत हो सकती हैं, जो सबसे ज़्यादा अलामत देखी गई है वो है जी सर का दर्द। यानी कि सर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होता है आपके, जो इस जगह पर है ऐसे लगता है कि ये जो रग है यहाँ पे रगें होती हैं ये ऐसे लगता है जैसे कि फट रही हो, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है आपकी ये रगें फटने को जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए उनको चाहिए कि वो अपना जहन यानी कि दिमाग को ठंडा रखें और कम सोचा करें। जी हाँ, क्योंकि ये सोच की वजह से ही, यानी कि आदमी अगर कोई ज़्यादा सोचता है तो इसकी वजह से जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए जो है मेरा मशवरा है कि आप जो है कम सोचा करें। हम तक देखेंगे, सोचना तो लाजमी ही पड़ता है, यानी कि जब भी आप जो है ज़िंदगी गुजारते हैं तो बगैर सोचे तो ज़िंदगी है नहीं, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं आपका काम नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम सोचें ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश रहे। जी हाँ फ्रेंड, इसके अलावा जो है इसकी एक और अलामत है, आपके कंधों में दर्द हो सकता है, यानी कि इस जगह जो है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ऐसे लगता है जैसे कि आपके कंधे खींच रहे हों, आपके कंधों में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप जो है चल नहीं पाते, आपको चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाई है, तो यानी कि आपका जो जब ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब आप चलते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन घूम रही है, हम अभी गिरते हैं। जी हाँ, ये जो अगर आपको कंडीशन हो तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करवाएं, उसके बाद जो है जो आपको टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कब से कि मेरे हाथ में एक टैबलेट है, डब्बी है, दो, जो कि मैं हर वक्त अपनी पूरी वीडियो में जो है इस पर ही जो है आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो डिटेल में बात करेंगे उस ये है कि आप जो ये टैबलेट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसका जो तरीका इस्तेमाल है उसका और अगर हम बात कर लें तो ये टैबलेट जो है ज़बान के नीचे आपने रखनी है, आपका ब्लड प्रेशर जो है जल्द से जल्द लो हो जाएगा। ये जो है आपने एक टैबलेट सुबह को इस्तेमाल करनी है और एक टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी है, यानी कि ये एक टैबलेट के बजाय अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप जो है दो टैबलेट भी इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप दो टैबलेट इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है जल्द से जल्द कम हो आएगा, जल्द से जल्द लो हो आएगा और 120 रेंज में, अपने नॉर्मल रेंज में जो है आपका ब्लड प्रेशर हो आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
हर किस्म की दवाई की मालूमात जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैसम यूट्यूब पर तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है यानी कि हर बीमारी का इलाज जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैसम यूट्यूब पर तशरीफ़ लाएं। हर मेडिसन्स की इंफॉर्मेशन और हर बीमारी का इलाज सिर्फ सैसम यूट्यूब पर।